प्रतिपक्ष बनाना था तो अब्दुल बारी सदीकी को बनाया हुआ होता। सबसे सीनियर है विधायकों में, अगर अब्दुल बारी सदीकी को बना दिए हुए होते तो सरकार नहीं टूटती, सरकार इसके चलते टूट गई। नेता प्रतिपक्ष बना दिया, फिर ये नया लड़का। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, हमारे मित्र चमेली जी ने कहा कि यादव बहुत नाराज है, मुसलमान बहुत नाराज है, तो संगठन नीतियों से चलता है, सरकार नीतियों से चलती है, कोई अपने जात वाले विचार से सरकार चलाना चाहेगा, परिवार वाले विचार से सरकार चलाना चाहेगा तो लंबे दिन तक नहीं रह सकता है। आपको याद होगा श्री बाबू थे मुख्यमंत्री, तब भूमिहारों को भ्रम हो गया था कि अब तो हमरे जात मुख्यमंत्री होगा, लेकिन श्री बाबू के बाद कोई भूमिहार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो सका। तो छटपटा करके इधर जो है सो जब देखा कि नहीं होने वाला है तो दूसरे तीसरे के साथ लग गए हैं बीजेपी। तो ब्राह्मणों को भ्रम हो गया था कि अब ब्राह्मण हो गया मुख्यमंत्री तो जगन्नाथ मिश्र के बाद फिर कोई ब्राह्मणे होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। तो जादवों को भी आजकल ये भ्रम हो गया है कि हम बड़ा शक्तिशाली हैं, खाली जादवे के चलते जो है सही सरकार बनी है। नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे जादवे के चलते, न तो नहीं बनते, ये भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। जातियां बहुत है, वोट जो है बहुत है, विभिन्न तरह की जातियां हैं, इसलिए राजनीति विचार की होनी चाहिए। जो राजनीति विचार की चलेगी तो वह राजनीति मरेगी नहीं, लेकिन जो परिवार की राजनीति चलाओगे, जात की राजनीति चलाओगे, संप्रदाय की राजनीति चलाओगे तो राजनीति ज्यादा दिन तक टिकाऊ होने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यादव भाइयों, मुसलमान भाइयों, भ्रम में नहीं रहो, नीति पर चलो। जिन नीतियों को डॉक्टर लोहिया ने चलाया, जिसके चलते लालू मुलायम नीतीश और रामविलास पैदा हुए, उनमें से कई लोग एक साथ हैं, अगर नीतियों को चलाओगे तो आज डॉक्टर लोहिया की नीतियों को चला रहा है नीतीश कुमार। उसने डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात की थी, उन सातों क्रांतियों को लागू करने का काम नीतीश कुमार अपने कर्म से कर रहा है। रास्ते में बाधा बहुत है, लेकिन कुछ तो जमीन पर ला दिया। आज बिहार में बड़ा भारी विकास हुआ है, बिहार आज पूरे हिंदुस्तान में अन्य प्रांतों अन्य राज्यों के मुकाबले में उठ के खड़ा हुआ है, और उसके पीछे है नीतीश कुमार की नीतियां। गरीबों के बच्चे को वस्त्र देना, वस्त्र के लिए पैसा दिया, आज बेटियां स्कूल में बच्चों बेटों से ज्यादा आगे बढ़ के पढ़ रही है। साइकिल दिया, गरीब के बेटे आज जो है बड़े पैमाने पर विद्यालयों में नामांकित है, आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो सात निश्चय लागू किया है, इसमें अनेक तरह की सुविधाएं, जिस गांधी ने जो सपना देखा हर घर में शौचालय, गांधी जी पैखाना करते थे तो उस जमाने में शौचालय नहीं था तो गड्ढा खोद देते थे, गड्ढा खोद दिया जाता था। गांधी जी के साथ जो लोग रहते थे उसमें पैखाना करते थे और उस पर थोड़ा मिट्टी गिरा देते थे, गंदगी नहीं फैली। जिस काम को गांधी ने शुरू किया, घर घर शौचालय, नल का जल, गली गली में रास्ता, हर आदमी को घर, और जो है हर गांव को जो है सड़क से जोड़ने का जो सपना गांधी लोहिया जयप्रकाश जननायक कर्पूरी ठाकुर ने देखा था, उस रास्ते को आगे बढ़ा रहा है नीतीश कुमार। इसलिए ये मत देखो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है कि राजद के साथ है, नीतीश कुमार जहां है वहीं गांधी लोहिया जयप्रकाश की राह चल रही है, वही राह गरीबों का है,
वही राह पिछड़े का है, वही राह दलित का है, वही राह मुसलमान का भी है। नीतीश कुमार न कभी राजद के कार्यक्रम पर आगे चला है और न बीजेपी के कार्यक्रम। बीजेपी के साथ सरकार जरूर है, लेकिन कहीं भी बिहार में मुसलमानों का शोषण नहीं हो रहा है, बल्कि मुसलमानों के गांव में जो है सो तमाम तरह की खुशहाली और उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नीतीश कुमार बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। आई गी दुगी कोई शराब वाला, कोई फलना वाला, कोई चिल्ला वाला जो चारू बगल बउआल घूरता है कि अब राजद के टिकट मिल गए हम जैसे एमएलए हो जाए, तो ये ख्वाब है, ये सपना है। उनके फेरे में जादव और मुसलमान भाई नहीं जाइएगा, बाकी कोई जात तो है ये नहीं, एक होना है तो सरदार, एक आध वो अपवाद कोई है सो है। इसलिए मैं नहीं कहता कि कल फिर मैं ही एमएलए होंगी, लेकिन कोई आदमी होगा जो इस रास्ते का होगा, जो इस रास्ते को चलाएगा, जो गांधी लोहिया जयप्रकाश का रास्ता है नीतीश कुमार का, उस रास्ते को चलाएगा, वही कल भी गायघाट का भी एमएलए होगा, वही कल बिहार की सरकार में भी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, चूंकि लंबे समय से आप लोग बैठे हुए हैं, हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जननायक कर्पूरी ठाकुर।